अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परवीन लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी बहुत ही डिलीशियस सी डेजर्ट की रेसिपी। ये डेजर्ट हम ब्रेड और मिल्क से बनाएंगे, सिर्फ 15 मिनट में बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे, उसका कॉर्नर्स जो है हम उसको कट कर लेंगे और उसको 4 पीसेस में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 4 से 5 ब्रेड लिए थे, उसको अच्छी तरह से कट कर लेंगे। फिर अभी हम एक फ्राई पैन लेंगे, फ्राई पैन के अंदर हम इसको ब्रेड को फ्राई करेंगे। मैं यहाँ पे घी से फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और हमें इसे डीप फ्राई भी नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है, मतलब थोड़ा ब्राउन ही रहना चाहिए, ज़्यादा ब्लैक भी नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेड को हम ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो वो कड़क हो जाएंगे और फिर जो हमारा मिल्क रहेगा उसके अंदर वो मॉइस्चर नहीं होंगे। जिस तरह से मैं इसको हाफ फ्राई कर रही हूँ आपने भी उसी तरह से करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। अभी ये फ्राई हो गए हैं, अभी हम इसको एक प्लेट पे निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध ले लिया है, इसको मिक्स करते रहेंगे, दूध को चलाते रहेंगे जब तक कि दूध जो है वो पक रहा है। हमने यहाँ पे 1 कप मिल्क लिया है, हम उसके अंदर 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहे तो कोई भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी फ्लेवर का यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे मिल्क में उबाल आ गया है, अभी हम इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे। अभी हम इसके अंदर हमारा कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर ऐड करेंगे, हम इसको ऐड करते रहेंगे और एक हाथ से इसको चलाते भी रहेंगे, क्योंकि फिर कस्टर्ड पाउडर से मिल्क में लम्प्स भी बन सकते हैं, इसलिए हम इसको चलाते रहेंगे जब तक कि वो अच्छी तरह से थिन ना हो जाए। हमें ब्रेड की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिन ही रखनी है, थिक नहीं करनी, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए दूध। अभी जो है दूध का जो मॉइस्चर है वो थोड़ा थिन हो गया है और अभी हम इसके अंदर हमारे ब्रेड्स के स्लाइसेस ऐड कर देंगे, फ्राई ब्रेड स्लाइसेस। सो यार गाइस, जो हमारी रेसिपी है वो बस बन ही गई है। हम ब्रेड को अच्छी तरह से मिल्क के अंदर डीप कर लेंगे। सो अभी हम इसको सर्व करते हैं। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट, चाहे तो पोमोग्रेनेट या तो चेरीज, आपको जो पसंद है आप उसको इसके साथ सर्व कर सकते हैं, सबके साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का यूज़ किया है। सो गाइस, ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपने ये रेसिपी अभी तक ट्राई नहीं किया है तो जल्दी जाइए और उसको ट्राई करिए, बहुत ही आसानी से बन जाती है और सिर्फ 15 मिनट में बन जाती है, तो उससे पहले ही बन जाएगी। आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। ब्रेड और मिल्क का डेजर्ट है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। हमें इसके लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए होती हैं।
आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस लग रहा है। तो आप भी जल्दी जल्दी जाइए, इसको बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।